पोकरनाग एनकाउंटर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो जम्मू कश्मीर में सेना की 15 कोर को कमांड कर चुके हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब सेना और आतंकियों के बीच एक एनकाउंटर हो और सुरक्षा बलों को इतना नुकसान हो जाए। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? फौज में सामने जाकर और लीडरशिप देना अपने जवानों को एक नियम है, हम हिचकिचाते नहीं है इससे ना। हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप में, मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर आमतौर पे हर औहदे का अपना की अपनी जवाबदारी बनी हुई होती है, लिखनुक की हुई होती है। एक यंगर ऑफिसर जो है वो सामने जाकर ऑपरेशन करता है, उसके सीनियर जो है वो पीछे से सुपरवाइज करता है। अगर बात जो है वो बात आगे बढ़ गई तो शायद सीनियर ऑफिसर आगे स्टेप इन करेगा ऑपरेशन को टेक ओवर करने के लिए। मगर हम देख रहे हैं कि हमारे आजकल काफी अरसे से, कारगिल से भी देखें अगर आप, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो है, हमारे अधिकारी जो है, उनमें इतना जज्बा है, इतनी काबिलियत है, हिचकिचाते नहीं, डरते नहीं और सामने जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी चीज करते हुए, इस तरह के ऑपरेशन करते हुए वो खुद उनके ऊपर हानि पहुंच जाती है, चोट पहुंचती है। वो इस तरह से हुआ है इस ऑपरेशन, जहां कर तीनों ऑफिसर शायद जो थे वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, इंटेलिजेंस उनको मिली हुई थी। इंटेलिजेंस जब होती है तो एक जेनरिक चीज होती है, मतलब स्पेसिफिक। आप नहीं कह सकते कि इस जगह पर जहां पर ये पेड़ है या जहां पर ये घास उग रही है, इस जगह पर टेररिस्ट बैठे हैं, वो कभी नहीं होगा। आपको मिलता है ब्रॉड एक तजवीज, तस्वीर मिलती है, उसमें आप देखते हैं और उसके अंदर आप तजवीज बनाते हैं ऑपरेशन करने की। कभी कभी वो तजवीज जो है वो चूक जाती और गलती नहीं होती है। कहते हैं कि लड़ाई की जब तजवीज बनती है और जब लड़ाई छिड़ती है तो सबसे पहली जो कैजुअल्टी होती है वो तजवीज होती है, क्योंकि उसके बाद दोबारा तजवीज बनाना पड़ता है दिमाग में हर वक्त। इसकी वजह से कभी कभी जो है रिएक्शन जो है वो चूक जाता है और उसकी वजह से कभी कभी कैजुअल्टीज हो जाती है। जी लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, आप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल खुद भी रहे हैं। ये एनकाउंटर सीमा पर नहीं हुआ, सीमा से काफी दूर हुआ है, ये कैसा इलाका है और आपको क्या लगता है यहां आतंकी इतने एक्टिव क्यों हैं? सवाल आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है। ये बॉर्डर का इलाका नहीं है और अगर आप देखें पिछले 34 साल से, 1989 से 2023 तक अगर देखें तो 34 साल में बॉर्डर पे इतने एक्शन नहीं हुए हैं, बॉर्डर पे इतनी कैजुअल्टी नहीं हुई है जितनी अंदरूनी हुई है, कश्मीर घाटी के अंदर हुई है और जम्मू क्षेत्र में खुद हुई है अंदर। यह अनंतनाग का इलाका है जो पीर पंजाल पहाड़ी के दामन में है और कश्मीर का दक्षिणी इलाका है। जब आप श्रीनगर से उधमपुर जा रहे हैं, श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं, तो आपको पीर पंजाल को पार करना पड़ेगा। वो पीर पंजाल को आप पार करते हैं सुरंग के जरिए, वहां वो बनिहाल का सुरंग है, जवाहर टनल जिसको कहते हैं, उसके जरिए आप वहां से निकलते हैं। उसके बाएं तकरीबन 20 किलोमीटर दूर अगर आप देखें तो जैसे क्रो फ्लाई करता है, तो ये इलाका कोकरनाग का इलाका है, वो वहां पर है, काफी अंदरूनी इलाकों के अंदर। ये जितनी दहशतगर्दी की जो कैंपेन चलाया है पाकिस्तान ने, जो प्रॉक्सी वॉर चलाई है, ये ज्यादातर इन इलाकों में चलाई है और बॉर्डर पे नहीं। बॉर्डर के ऊपर तो ये है कि फायरिंग हो जाती थी, आजकल सीजफायर वहां पर कायम है और किसी तरह के पेट्रोलिंग के क्लैशेस हो जाते थे। इन्फिल्ट्रेशन जब करते थे, कुछ बैटरी जब करते थे टेररिस्ट, तो उनके साथ मुठभेड़ हो जाती है, एनकाउंटर हो जाते हैं, मगर ज्यादातर ये कार्रवाई जो हिंसा की कार्रवाई है वो अंदरूनी इलाकों में हुई है। अब जब टेररिस्ट की नफरी इतनी कम हो गई है तो अब दोनों बॉर्डर पे भी और अंदर भी तकरीबन आप समझिए ये वाकया कम हो गए। मगर पिछला वाकया बड़ा वाकया था जो रजौरी में हुआ था, जो पीर पंजाल के उस पार है, दक्षिण की तरफ है, वहां पर 5 हमारे जवान जो थे उन्होंने अपनी जाने खोई, उसके बाद 5 हमारे पैरा ट्रूपर थे स्पेशल फोर्सेस के, उनकी जाने गई। तो इस तरह की चीजें हुई हैं, अंदरूनी होती रहती है।
जी लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, आतंकवाद से तो निपटना ही होगा जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नुकसान ना हो इसके लिए क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की प्रॉक्सी वॉर जो है वो खत्म। बहुत कोशिशें हो रही हैं, सरकार बहुत अच्छी कोशिशें कर रहा है, वहां पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहा है, बहुत नॉर्मलसी लाने की कोशिश में है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी शुरू हो जाएगा शायद, उम्मीद करते हैं कुछ महीनों के अंदर वो नॉर्मलसी आने की कोशिश हो रही है। मगर इसके बीच में दिमाग से हमें कभी ये नहीं हटाना चाहिए कि अभी भी वहां दहशतगर्दी है और इसके प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, जब टूरिज्म बढ़ जाता है, इकोनॉमी अच्छा करने लगती है, तो लोग नॉर्मलसी की बात करने लगते हैं। शाम को अब दुकानें खुली रहती हैं 10 बजे 11 बजे तक। हमें अपने आप को प्रिकॉशन करना चाहिए, जो खास तौर पे फौजों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, पुलिस को, सबको वही अंदाज के साथ अपनी सिक्योरिटी बनाए रखनी चाहिए जैसे पहले थी। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी ढील देंगे, जैसे ही थोड़ी छूट देंगे, टेररिस्ट जो है उसका फायदा उठाएंगे। ये तो मेरी पहली सलाह है सिक्योरिटी फोर्सेस। दूसरा, ये जरूरी है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ाते रहें। अब जैसे आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपने भी शायद दिखाई होंगी अपने टेलीविजन पे, ड्रोन उड़ रहे हैं ऊपर, ऑपरेशन करने से पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, हेलीकॉप्टर की रिकॉन्सेंस करना, सर्वेलेंस करना, इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, ये नहायत जरूरी है। ऑपरेशंस कभी भी अंधाधुंध, अंधेपन से ऑपरेशन कभी नहीं करने चाहिए, उसमें जो है हानि हम ही को मिलती है आमतौर पर। और मेरी आखिरी सलाह तो यह होगी कि साथ साथ आप डेवलपमेंट की कार्रवाई इतनी कर रहे हैं, और भी कोशिश करें हम कि ये जो नेटवर्क बिछाए हुए हैं यहां पर, पाकिस्तान ने बहुत सालों से अलग अलग किस्म के नेटवर्क हैं यहां पर, ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क हैं, मीडिया के नेटवर्क हैं, नारकोटिक्स या ड्रग्स के नेटवर्क्स हैं, और खास तौर पे पैसे के, फाइनेंशियल नेटवर्क। इन नेटवर्क्स की वजह से जो है ये टेररिस्ट जो दहशतगर्दी का जो मूवमेंट और कैंपेन है उसी से चलता है, उसी के ऊपर निर्भर होता है। जब ये नेटवर्क्स को आप हटा देंगे, इनको टारगेट कर देंगे, तो ये खुद पे खुद जो है ये इसको आप नाकारा कर देते हैं, ये हट जाता है आपके सामने से, और तब आप नॉर्मलसी कह सकते हैं कि आपके पास आ गई है। और अब जाते जाते कोकरनाग के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोकरनाग में हुए एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोचक को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर अब उनके घर भेजे जा रहे हैं, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट का कल ही सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो चुका है।